दोस्तों आज हमारे पास एक बजाज बजाज शक्ति का गीजर है, बजाज प्लस, ठीक है, बजाज शक्ति प्लस। तो दोस्तों इसमें देखिए आपके एलिमेंट लगा हुआ है, दो थर्मोस्टेट लगे हैं। ये थर्मोस्टेट क्या काम करता है हमारा, और ये थर्मोस्टेट क्या काम करता है, और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, इंडिकेटर के कनेक्शन कैसे करने हैं, इस वीडियो में आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो को समझ में आता है, अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो मेन, ये मेन जो कॉर्ड हमारी देखिए, ठीक है, इसमें हमारा देखिए जो फेस है, फेस हमारा सबसे जाता है, पहले जाता है दोस्तों इस वाले एलिमेंट, इस वाले थर्मोस्टेट में। जो ये थर्मोस्टेट है दोस्तों, ये होता है, ये ट्रिप करता है, अगर कोई फॉल्ट हो गया तो ये ट्रिप कर जाता है, जिससे आपका आपका जो ये एलिमेंट है जलने से बच जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें अपना फेस जो है, इस फेस को डालेंगे, फेस का कनेक्शन करेंगे, ठीक है, फेस का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, फेस का कनेक्शन कर दिया। अब हम न्यूट्रल देंगे अपने गीजर को, न्यूट्रल सीरियल से हम चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो ये न्यूट्रल का हमारा कनेक्शन इसमें जुड़ा हुआ है, देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हमारा एक वायर हो जाता है कॉमन, किसके लिए, इंडिकेटर के लिए, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे अपने, जो हमारा थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट के एक टर्मिनल में हम इसको जोड़ देंगे, सॉरी थर्मोस्टेट जो कह रहा हूँ, जो हमारा ये हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट में इसमें हम एक न्यूट्रल जोड़ देंगे, और बाकी यहाँ से हम लूपिंग करेंगे। इसको आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमने न्यूट्रल भी दे दिया, अब हमने क्या करना है, हमने एक लूपिंग देनी है, जो हमारा यहाँ हमारा फेस आया, फेस भी यहाँ से इसमें गया, ठीक है। अब यहाँ से फेस को हम इस वाले थर्मोस्टेट में देंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये वायर है, ठीक है, इस वायर को हम जोड़ देंगे इस वाले, इसके दूसरे वाले टर्मिनल में, इसको हम जोड़ देंगे इसमें, इसको हमने जोड़ दिया इसमें, ठीक है, इसमें जोड़ दिया। इस वाले थर्मोस्टेट से हम लूप ले लेंगे यहाँ, ठीक है, और जो हमारा अब हमने देना है दोस्तों, यहाँ से अपने ये जो हमारा एलिमेंट है, इसका जो दूसरा हमारा पॉट बचा है, इसको हमने कनेक्शन देना है थर्मोस्टेट के थ्रू। इस वाले थर्मोस्टेट फेस आया, इस वाले थर्मोस्टेट फेस निकला, इस वाले थर्मोस्टेट में आया, इस वाले थर्मोस्टेट से हमारा ये चल जाएगा हमारा एलिमेंट।
दोस्तों फाइनली आप देख रहे होंगे हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अगर अभी भी आपको यहाँ पर डाउट है मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये हमारी मेन कोट आई है, इसमें से जो लाल वाला है हमारा फेस है, ये फेस हमारा डायरेक्ट चले जाता है दोस्तों इस थर्मोस्टेट में, फिर यहाँ से निकलता है हमारा चले जाता है इस थर्मोस्टेट में, फिर यहाँ से निकलता है यहाँ से तो ये डायरेक्ट हमारा एलिमेंट में चले जाता है, ठीक है। और फिर हमारा जो है न्यूट्रल जो है हम डायरेक्ट देते हैं अपने एलिमेंट को, ये कंडीशन होती है हमारे कनेक्शन की। बाकी उसके से इंडिकेटर का क्या है दोस्तों, देखो इंडिकेटर तो आपका जो ये आप ब्लैक वाला देख रहे होंगे दोस्तों, ये ब्लैक वाला जो है ये डायरेक्ट में है, यानी कि आपका मेन ऑन है, उसके लिए ऑन ही रहेगा दोस्तों। तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट हो जाता है हमारे दो ये जो एलिमेंट के टर्मिनल हैं इनमें डायरेक्ट ये जुड़ जाता है। और दूसरा जो है हमारा दोस्तों ये है, देखिए ये है हमारा, जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो ये कट करेगा तो इसके लिए दोस्तों इसको न्यूट्रल तो हमने यहीं से डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन इसको हम जो फेज देंगे हम यहाँ इसमें, जैसे हमारा ये कट करेगा, हमारा पानी गर्म होगा तो ये कट कर जाएगा, ठीक है। तो ये है इसकी कंडीशन। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो फिर भी कहीं पर समझ में नहीं आ रहा, फिर भी कहीं पर डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।